इस अध्याय में हम आपको इलस्ट्रेटर में लेयर के उपयोग के बारे में बताएंगे। लेयर्स कैंडल हमें सिलेक्ट, हाइड, लॉक और आर्टवर्क के अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स को बदलने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। हम विंडो मेन्यू पर जाकर लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड का शॉर्टकट की F7 का उपयोग कर सकते हैं। हम लेयर्स पैलेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्टी हैच लेयर सिलेक्ट करके सिंबल को मूव करेंगे। यदि हम अपने लेयर को हाइड करना चाहते हैं, इसके लिए लेयर के बाईं ओर टॉगल्स विजिबिलिटी आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ लेयर छिप गया है। यदि हम लेयर को देखना चाहते हैं, यहाँ टॉगल्स विजिबिलिटी आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यदि हम लेयर पैलेट के बाईं ओर टॉगल्स लॉक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लेयर लॉक हो जाएगा। लेयर लॉक करने के बाद हम सिंबल पर एडिट नहीं कर सकते हैं। लेयर अनलॉक करने के लिए टॉगल्स लॉक आइकन पर क्लिक करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कैसे हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। नीचे की ओर ये क्रिएट न्यू लेयर आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं एक नया लेयर बन गया है। एक सिंबल सिलेक्ट करके आर्टबोर्ड पर खींचेंगे। अगर हम सिलेक्ट लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सिलेक्शन आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम आपको इलस्ट्रेटर में उपलब्ध विभिन्न सिंबल्स का उपयोग करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक अलग लेयर पर बच्चे का चेहरा बनाएंगे। लेयर 2 सिलेक्ट करेंगे। टूल्स पैनल से जूम टूल सिलेक्ट करेंगे। उस एरिया को जूम करेंगे जहां हम चेहरा बनाना चाहते हैं। पेन टूल सिलेक्ट करके एक चेहरा बनाएंगे। चेहरा बनाने के बाद अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और खींचकर बच्चे का चेहरा सिलेक्ट करेंगे। बच्चे के चेहरे पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आर्टबोर्ड को वर्कस्पेस पर फिट करने के लिए हैंड टूल पर डबल क्लिक करेंगे। अब सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके हेड सेलिब्रेशन के अंदर उपलब्ध विभिन्न सिंबल्स का उपयोग करके हम आर्टबोर्ड पर दिए गए चेहरे को सजाएंगे।